हस्ताक्षर क्यों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि यह कार्यक्रम है, एक सवाल है, एक प्रश्न है, साक्षर क्यों, जवाब इसका आप खुद जानते हैं। लाखों करोड़ों लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ जो स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, सब यही कहते हैं कि सबसे बड़ा हथियार एक देश के पास, इंसानियत के पास जो है अपने विकास के लिए, वो है पढ़ाई लिखाई, साक्षरता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें यह बताया है अपनी रिपोर्ट में 2001 की कि दुनिया के 90 जो सबसे विकसित देश हैं, उन देशों में जो युवक युवतियां हैं 15 से लेकर 35 वर्ष के औसत के तौर पर, उनमें साक्षरता 90% से ज्यादा है। और उन्होंने ये भी साबित कर दिया है कि पैसे से कहीं अधिक महत्व रखती है साक्षरता। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक विशेष मेहमान हैं, भूतपूर्व राज्यपाल श्री भीष्म नारायण सिंह जी, जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राजनीति में 45 या 50 वर्षों से इनका संबंध रहा है। भीष्म नारायण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जिसका शीर्षक है साक्षर क्यों। और इससे पहले कि मैं हमारी जो दो टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, गंगा जमुना, उनसे प्रश्न पूछने आरंभ करूं, एक प्रश्न आपके लिए, यही प्रश्न, साक्षर क्यों। साक्षर होना तो अत्यंत आवश्यक है, और जैसा प्रारंभ में ही आपने कहा, मनुष्य के विकास के लिए साक्षर होना नितांत आवश्यक है, बल्कि साक्षर होना न्यूनतम आवश्यकता है। आवश्यकता तो शिक्षित होना है, सच पूछिए तो। और हमारे देश में जब हम लोग आज़ाद हुए तो सिर्फ शिक्षित लोग 8% थे, आज हम लगभग 50% के करीब पहुँचे हैं। ये कोई बहुत संतोष का विषय नहीं है, लेकिन चेष्टा जारी है। सपना क्या देखा हम लोगों ने कि हम अपने देश को दुनिया का सबसे खुशहाल और अच्छा देश बनाएंगे। शिक्षा के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा होने में बहुत बहुत बड़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारा भी यही अटल विश्वास है कि देश का सबसे बड़ा हथियार केवल शिक्षा है। अमरीका के एक बहुत ही महान इतिहास के लेखक हेनरी ब्रूक एडम्स ने कहा था बहुत साल पहले कि वो बहुत कुछ सीख चुके हैं जो सीखना जानते हैं। जो लोग साक्षर होना जानते हैं वो सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हमारी दोनों टीमें यहां पर मौजूद हैं। भीष्म नारायण सिंह जी, अगर आप अनुमति दें तो हम कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ये भेंट, ये मुलाकात, ये प्रतियोगिता, ये दोस्ती आरंभ करते हैं। गंगा और जमुना, हमारी दोनों टीमें यहां पर मौजूद हैं। ये उस वर्ग से हैं समाज के जिन्होंने शायद अपनी परिस्थितियों के कारण स्कूल और कॉलेज में पूरी तरह से तालीम नहीं हासिल की हो, लेकिन उन परिस्थितियों पर इन्होंने विजय पाई। जो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, दोनों टीमें खुद अपना परिचय आपको देंगी। टीम गंगा। मेरा नाम गणपति है। क्या करते हैं आप गणपति जी? मैं ये ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है। कहाँ तक पढ़े हैं आप गणपति जी? 10वीं तक। उसके बाद क्यों छोड़ा आपने? घर की परेशानी की वजह। और अगर वो परेशानी ना होती तो क्या करते? मैं पढ़ता। आपकी इच्छा रही है हमेशा पढ़ने की। और आपके साथी कौन है? हमारा नाम बैरागी है जी। बैरागी जी, आप क्या करते हैं? मैं आंध्रा का रहने वाला हूँ और यहाँ दिल्ली में वर्कशॉप में काम करता हूँ। कितने पढ़े हैं आप? 5वीं क्लास तक पास। क्यों छोड़ा आपने? मजबूरी का वजह से छोड़ दिया। आपका विवाह हो चुका है? हाँ सर। आपकी संतान है? हाँ सर। तो आप अपने बच्चों को क्या तोहफा देना चाहते हैं? हमें तो खुद पढ़ लिखा नहीं हो पाया, लेकिन बच्चे को अच्छा पढ़ाएंगे, सिखाएंगे इनको। बहुत खूब। हमारी दूसरी टीम यहां पर मौजूद है, वो है टीम यमुना। और यमुना से अनुरोध है कि अपना परिचय हमें खुद दे। मेरा नाम गिरीश है, मैं दूसरी पास हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। गिरीश जी, आपने दूसरी के बाद क्यों पढ़ाई छोड़ दी, याद है आपको? जी नहीं, बस माँ बाप ने छुड़वा दिया। छुड़वा दिया। घर की कुछ ऐसी परिस्थितियां थी? हाँ जी। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि काश मैंने और पढ़ा होता? हाँ जी, महसूस तो होता है, हमेशा महसूस होता। हाँ है जी। बहुत खूब। और आपके साथ कौन है? अशोक कुमार, दिल्ली से आए हैं। आप क्या करते हैं अशोक जी? फैक्ट्री में काम करता हूँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 5वीं तक पढ़ा हूँ। उसके बाद नहीं पढ़ा। और कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरा जीवन कुछ और हो सका, अगर मैं दोबारा पैदा होता तो आप क्या करना चाहते? फिर तो पढ़ के कुछ बनना चाहता है। आप अभी भी बहुत कुछ बन सकते हैं। अभी तो इतनी सारी स्कीमें हैं हमारे देश में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाती है उन लोगों के लिए जो कि स्कूल और कॉलेज में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो साक्षरता हासिल कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और अपने आप को अपनी ही नजर में, जैसा आपने कहा,
और ऊंचा उठा सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अगर आप लोग तैयार हैं, दोनों टीमें गंगा और जमुना, और आप अनुमति दें मुख्य अतिथि साहब, तो मैं आरंभ करता हूं ये कार्यक्रम प्रश्नों की बौछार। अगर आपका जवाब सही है तो आप ये धुन सुनेंगे, और अगर आपका जवाब गलत है तो आप सुनेंगे। कैसा लगा आप? आप मुस्कुराए, हमें बहुत अच्छा लगा। पहला प्रश्न हमारा गंगा के लिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां हुआ था? द्वारका, वृंदावन, मथुरा या कुरुक्षेत्र? मथुरा। और विशेषज्ञ क्या बोले? 10 अंक हैं हमारी टीम गंगा के लिए। मुझे लगता है कि हमारी टीम यमुना कुछ निराश हो गई है, क्योंकि मुस्कुरा नहीं रहे। इधर आप लोग मुस्कुराइएगा, ये बात हुई। अब ये बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सतलुज? मैं आपको मदद देने के लिए तैयार हूं, मुफ्त में। बोलिए। गंगा। मेरी मदद नहीं चाहिए आपको? आपस में बातचीत कर लीजिएगा, सलाह मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब जो है ना वो बिल्कुल सही है। आपने सही कहा, आप दोनों को 10-10 अंक मिले हैं। और अब बारी है हमारी टीम गंगा की। गंगा टीम, अगर आप लोग तैयार हैं, ये रहा आपके लिए हमारा अगला प्रश्न। महाराष्ट्र राज्य का नाम तो आपने सुना है, उसकी राजधानी का क्या नाम है? भोपाल, ईटानगर, मुंबई या फिर दिसपुर? मेरी राय मानिए तो मुंबई कह दीजिएगा। मुंबई। आप मेरी राय मान गए, आपने कहा मुंबई, और आप क्या बोले? टीम यमुना, ये बताइए केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, मलयालम, तेलुगु या तमिल? तमिल। और हमारे विशेषज्ञ क्या बोले? अब आपकी बारी है। मैं देख रहा हूं कि एक हाथ यहां पर बीच में उठा है। अब आप ये बताइए कि कौन सी भाषा केरल राज्य में बोली जाती है? मलयालम। आपने कहा मलयालम, और वो क्या बोले? बहुत खूब। गंगा टीम, बारी आपकी है। जलियांवाला बाग, आपने नाम तो सुना होगा, किस शहर में स्थित है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, अमृतसर या सोनीपत? मेरी बात मानिए तो अमृतसर कह दीजिए। सर, अमृतसर। मेरी बात मान ली आपने? अच्छा, क्या बात है, रहने मेरी बात मान ली। और अगर गलत हुआ तो? कोई बात नहीं, ठीक है। आपने मेरी राय मानी और बोले अमृतसर, और वो क्या बोले? बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही जवाब है अमृतसर। अब बारी है हमारी टीम यमुना की। शक्ति स्थल पर किस नेता की समाधि है? राजीव गांधी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी? अब मेरी बात मानिए तो राजीव गांधी कह दीजिएगा। नहीं कहेंगे, अच्छी बात। इंदिरा गांधी। अब देखिए, मुझसे इन्होंने राय मेरी मांगी, मैंने बताया राजीव गांधी, इन्होंने कहा इंदिरा गांधी। मेरी राय ना मानने का मतलब है कि आपका जवाब विष्णु नारायण सिंह जी, जब आप राज्यपाल थे भारत के उत्तरी पूर्व हिस्से में, आप आसाम में रहे, मेघालय में रहे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहे, तमिलनाडु में भी आप राज्यपाल रह चुके हैं, तो आपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो देखा, वहां पर साक्षरता के कारण आपने क्या महसूस किया? केरल में साक्षरता में सबसे वो राज्य आगे है देश में, उसी के लगभग उतने ही बराबर साक्षरता में मिजोरम है, जो उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा है। और सभी राज्यों में शिक्षा पर काफी जोर है। और शिलांग में आप जाएंगे, जो मेघालय की राजधानी है, तो वहाँ नेहू सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और राज्यों में यूनिवर्सिटी तो है ही है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात मैंने बताई, और शिक्षा का काफ़ी विस्तार है, और साक्षरता पर भी काफ़ी जोर है। हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, और ये जो हम लोग कमीशन है यहाँ से भी काफ़ी जोर देता है शिक्षित होने के लिए लोगों को, और शिक्षा के विस्तार के लिए। तो स्थिति वहाँ भी संतोषप्रद है, इसको कहा जा सकता है, बहुत अच्छी। तो देश के किसी हिस्से में भी हम लोग नहीं मानते हैं, जब तक 100%
पूरा पूरे देश के लोग शिक्षित ना हो जाएं। और जिस दिन भारत में पूरी तरह से 100% लोग साक्षर या शिक्षित हो जाएंगे, उस दिन आप भीष्म नारायण सिंह जी क्या करेंगे? मेरा ख्याल है पूरा देश खुशी हो से बिल्कुल झूमने लगेगा, लेकिन मैं तो झूमूंगा ही। और मुझे अवसर मिला है राज्यपाल के रूप में ये साक्षरता मिशन के कार्यक्रम को मैं सम्मिलित होने का, तो सब जगह शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे कितनी प्रसन्नता होगी इसका शब्दों में तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन आपके चेहरे पर जो मुस्कान है देखकर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम सब भारतीय ऊंचे खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारा देश 100% साक्षर है। हमारा अगला प्रश्न टीम गंगा के लिए, एक धुन हम आपको सुना रहे हैं, धुन को सुनिएगा और बताइए इसके बोल क्या हैं। हे वतन तेरे लिए गाना है। हे वतन तेरे लिए, अच्छी बात है आपने कहा हे वतन तेरे लिए, और हमारे विशेषज्ञ क्या बोले? नहीं बोले, ये वतन के लिए नहीं। जो आपने जवाब दिया वो सही नहीं है। और कोई जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं ये कौन सा गीत है? एक बहन ने वहां अपना हाथ ऊपर किया है, अब बताइए ये कौन सा गीत है, इसके बोल क्या है? ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे उजले चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बहुत अच्छा गाती हैं आप सुषमा जी। अब हमें अपने विशेषज्ञों से पूछना है कि क्या ये जवाब आपका सही है? बहुत खूब, आपने कहा है मेरे प्यारे वतन, तो उस समय भारत की याद आ जाती है, हमेशा भारत का नक्शा हमारे सामने आता है जब भी किसी भी प्यारे वतन की हम बात करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न और ये हमारी टीम जमुना के लिए है जिनका स्कोर इस समय 20 अंक है और अब वो 30 तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। जल्दी से ये धुन सुनिए और बताइए इसके बोल क्या है। बताइएगा ए वतन तेरे लिए। ए वतन तेरे लिए, बहुत खूब। और आप लोग क्या बोले? उन्होंने बोला ये आपका जवाब जो है ये गलत है, लेकिन एक हमारे भाई ने यहाँ हाथ ऊपर किया है, बताइए इसके बोल क्या है? अपनी आजादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। बहुत खूब, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, ये आपने कहा, क्या इन्होंने सही कहा है? बहुत खूब, अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा आपने। हमारा अगला प्रश्न, गंगा के 30 अंक हैं, जमुना के 20 हैं। भारत का वो कौन सा राज्य है जो 26 जनवरी 2001 के भूकंप में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान? गुजरात। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं, आपने पहले ही गुजरात कह दिया और ये जवाब आपका। अब बारी है हमारी टीम यमुना की, आपका स्कोर इस समय केवल 20 है, आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा गंगा तक पहुंचने के लिए। मीराबाई किसकी भक्ति में लीन रहती थी? आपको हमें यह बताना है, श्री हनुमान, श्री दुर्गा, श्री राम या फिर श्री कृष्ण? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। कठिन प्रश्न है और जवाब बिल्कुल सही है, आपका स्कोर इस समय पहुंच चुका है 30, गंगा आपके पास है 40 अंक और यह रहा आपका अगला प्रश्न, इसमें आप मेरी राय अवश्य मांगिएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 5, 10 या 8? 7। आपने कहा 7 और आप क्या बोले? आपने बिल्कुल सही फरमाया, 7 हैं, आपके अंक बढ़ के 50 हो चुके हैं। और अब अगला प्रश्न हमारी टीम यमुना के लिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? यमुना, श्रीनगर, शिमला, कुल्लू या फिर जम्मू? शिमला।
मेरी राय नहीं मांगेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे डट के कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मानेंगे। इन्होंने कहा शिमला और आप बोले बहुत खूब। गंगा अब बारी आपकी है, आपका स्कोर है 50 और आपने हमें यह बताना है कि आम का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू और कश्मीर या फिर मणिपुर? और ये आपने हमें बताना है। मेरी राय चाहते हैं तो पूछ लीजिए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपने कहा मुझसे पूछे बिना, लेकिन आप क्या बोले? बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये उत्तर प्रदेश है। आप लोग निराश मत होइएगा जमुना, प्रश्न आपका ये है, उस शहर का नाम बताइए जिसमें भारत का सबसे लंबा पुल है। रांची, औरंगाबाद, पटना या फिर मुजफ्फरनगर? पटना। ये आपको कैसे मालूम है? पढ़ा मैंने। पढ़ा हुआ है आपने कहीं पे? देखिए साक्षरता के कितने फायदे होते हैं, कभी देखा नहीं है लेकिन पढ़ा हुआ है। और कहते हैं कि पटना है, क्या ये सही है? हमारा अगला प्रश्न, और ये हमारी टीम गंगा के लिए है, महाभारत की लड़ाई कहां लड़ी गई थी? देखिएगा, करनाल में, अंबाला में, पानीपत में या फिर कुरुक्षेत्र में? अब मेरी राय को मौका मिलता ही नहीं है, मैं भी यही कहने वाला था कि कुरुक्षेत्र में हुई थी। और आप लोग क्या बोले? बहुत खूब, आपका स्कोर तो 70 तक पहुंच चुका है। यमुना आपको जोर लगाना पड़ेगा, यह बताइएगा कि कर्नाटक प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़, तमिल, तेलुगु या मलयालम? कन्नड़। अब आप मुझसे पूछेंगे? नहीं, आपने तो ये पहले से ही बता दिया कन्नड़। खैर आपकी मर्जी है, आप बोले कन्नड़ और आप क्या बोले? आपका स्कोर हो चुका है 60, गंगा का स्कोर है 70। महात्मा गांधी का जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? 10 जनवरी, 21 मार्च, 2 अक्टूबर या फिर 11 जुलाई को हुआ था? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर आपको यकीन है? अगर आपको यकीन है तो वो क्या बोले? बहुत खूब। देखिए राज्यपाल महोदय की ये लोग खुद कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से साक्षर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल जल्दी छोड़ना पड़ा हमें, लेकिन इनकी जानकारी कितनी जबरदस्त। बहुत टैलेंट है हमारे लोगों में, यही तो हम लोग समझना है। और अगर इस टैलेंट को सही दिशा में ले जाएं तो देश बहुत तेजी से प्रगति करेगा, देश दुनिया का बहुत अच्छा खुशहाल देश बन जाएगा जल्दी से। बहुत खूब राज्यपाल साहब, आखिरी प्रश्न हमारा ये है टीम यमुना के लिए, भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? श्री वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बड़े ध्यान से सोचिए, क्योंकि अगर आपने ये गलत कहा तो आपकी समस्या हो जाएगी, और सही जवाब रहा तो आप 70 अंक पर पहुंच जाएंगे। ध्यान से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने पूरी तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हम लोग क्या बोले? बहुत खूब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपने कहा, बहुत खूब। और अब देखते हैं कि किस टीम के अंक ज्यादा हैं, किसके कम हैं। गंगा के हैं 80, यमुना के हैं 70। यमुना आप लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि मेरे सामने ये एक जैकपॉट रखा है, घड़ा है, एक मटका है, इसके अंदर कुछ सवाल है। अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो आपके अंक 70 से बढ़कर 140 हो जाएंगे और आप प्रथम पुरस्कार के हकदार होंगे। लेकिन एक शर्त है कि गंगा को भी फिर मौका दिया जाएगा कि वो भी अपने अंक दुगने कर लें। अब आप मुझे बताइए, आप जैकपॉट खेलना चाहेंगे या डर के मारे यहीं बैठेंगे? खेलना चाहेंगे। तो एक छोटी सी बच्ची वहां पर बैठी है, उससे अनुरोध है कि इस घड़े में से एक कागज निकालकर मुझे लाके दें। आइए आइए आइए, जल्दी यहां पर आइए लाइए लाइए। बहुत खूब,
बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, आप जाके बैठ जाइए वहां पर, बहुत अच्छे, ये तो बिल्कुल प्रोफेशनल है मेरे को लगता है। ओहो हो, इन्होंने जो प्रश्न मुझे दिया है ये तो बहुत कठिन है आपके लिए। खैर कोई बात नहीं, अब प्रश्न है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, और अगर आपने इसका सही जवाब दिया तो आपको मालूम है ना क्या होगा, कितने थे अभी तक आपके, और 140 हो जाएंगे। हो जाइए तैयार। ये बताइए इन तीन राग रागों में से कौन सा है जिसका संबंध वर्षा से होता है, राग भैरवी, राग मल्हार या फिर राग जय जयवंत, इन तीनों में से किसका संबंध वर्षा ऋतु से होता है, भैरवी मल्हार या जय जयवंत, मेरी राय चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। बताइए, संगीत में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते, फिल्मी संगीत में रखते हैं, जरा जल्दी से हमें बताइएगा, आपके पास समय बहुत कम है, मेरी राय चाहते हैं। राग मल्हार, मैं आपको कहने लगा था भैरवी लेकिन आपने मेरी राय नहीं मानी, आपने कहा मल्हार, और आप क्या बोले, अब जरा मुस्कान की फोटो तो खींचेगा, जरा देखिएगा हमारी यमुना टीम को किस तरह से बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, वाह वाह मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया। गंगा आपके अंक तो कितने बचे थे, 80, अब उसको आप 160 करना चाहते हैं या 80 के साथ ही आप संतुष्ट हैं, 60 करना चाहते हैं। अच्छी बात है, तो इस बार हम अनुरोध करेंगे जो बहन यहाँ बैठी है कि आप जरा आइए और इसमें से एक प्रश्न निकाल के मुझे दीजिए। यह हमारी बहन ने निकाल के एक प्रश्न हमें दिया है और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपने शहंशाह अकबर का नाम तो सुना है, सुना है ना आपने, बहुत बड़े मुगल बादशाह थे, इस देश के शहंशाह थे, उनकी एक पत्नी थी जो हिंदू धर्म से संबंध रखती थी, उनका नाम आपने हमें बताना है, लक्ष्मीबाई, जोधाबाई या फिर पद्मिनी, तीन नाम हमने आपको दिए हैं, उनकी हिंदू पत्नी का नाम था लक्ष्मीबाई, जोधाबाई या पद्मिनी, और मेरी राय आप मांग सकते हैं, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। जोधाबाई, मेरी राय नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए, सोच लीजिएगा क्योंकि आखिरी मौका है, एक बार हमारे कंप्यूटर ने जवाब दे दिया तो आप हार गए, पक्का यकीन है कि सही है, रानी जोधाबाई, इनको पूरा यकीन है, और आप क्या कहते हैं, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी टीम गंगा को, क्योंकि इनके अंक अब दुगने हो चुके हैं, 160 पर पहुंच चुके हैं, यमुना के 140 हैं, आपने बहुत अच्छा मुकाबला लड़ा है, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, आपने एक चीज को साबित कर दिया जो हम हमेशा कहते हैं कि स्कूल कॉलेज में भले ही आप ना जा सकें लेकिन बहुत से रास्ते आपके पास हैं ताकि आप अपनी साक्षरता पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ा सकें, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि साक्षरता से बड़ा हथियार एक देश के पास अपने विकास के लिए नहीं है। राज्यपाल महोदय, इससे पहले कि हम आपसे अनुमति लें और आपसे अनुरोध करें कि आप पुरस्कार बांटें, एक आखिरी प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके अपने जो आप भविष्यवाणी तो नहीं करते हैं लेकिन जो कभी आप सपने देखते हैं, विजन देखते हैं, किस प्रकार के भारत का निर्माण आप देखना चाहते हैं? हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ का शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षित होने का मतलब ये होगा कि जैसे आज़ादी के वक्त एक बड़ी चीज़ की उपलब्धि हमारी हुई, उसी तरह के समकक्ष की चीज़ों की उपलब्धि होगी, और हमारा भारत ऐसा बने कि ये तो इसका गौरव इतिहास रहा ही है, हमारे देश का बहुत गौरव इतिहास रहा है, जिससे हमारी संस्कृति, जिसके लिए आज भी हम धनी हैं, ये जानना ज़रूरी है सबको कि इकोनॉमिस्ट जो बड़े बड़े हुए हैं, जब भी जो अध्ययन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 25 वर्षों के अंदर जो एशिया के तीन देश काफ़ी खुशहाल देश बनेंगे उसमें जापान, चाइना और भारतवर्ष भी होगा, तो वो तो 25 वर्ष तक ही का लक्ष्य है कि 25 वर्ष के अंदर हम लोग बिल्कुल समृद्धिशाली, खुशहाल, धनी दुनिया का देश बन जाएं, और ऐसा सपना हम देखते हैं कि हमारे कोई गरीब, हमारे देश में कोई गरीब व्यक्ति न रह जाए जिसके आंसू को पोंछने की आज आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है, सबके आंखों में और होंठों में से खुशी जाहिर हो
ये हमारा सपना है, यही हम चाहते हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं राज्यपाल साहब कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इनका वादा है आपसे कि इसी प्रकार के भारत का निर्माण करके आपको दिखाएंगे।